मयूरी और मयूरी का किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपी मिलती रहे। आज मैं आपके सामने आइसक्रीम केक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये आइसक्रीम केक मैं बिस्किट और फ्रेश क्रीम के साथ बना के दिखाऊंगी। बहुत ही इजी स्टेप के साथ ये हमारा आइसक्रीम केक बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देखिए हमारे आइसक्रीम केक या कोल्ड केक कितना अच्छा लग रहा है। तो देख रहा है ना, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी हमारा ये केक बना है। देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, इस केक की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो आइसक्रीम केक बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके बेस को रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ फीके बिस्किट लिए हैं, ये लगभग 90 ग्राम के आसपास हैं और पीस में ऐसे काउंट करो तो लगभग 16 पीस हैं। अब इनको हम छोटे छोटे इस तरह से पीस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर बिस्किट के पीसेस कर लिए हैं। आपको यहाँ पर फीके बिस्किट ही लेने हैं, मीठे बिस्किट मत लेना। अब हम यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट मिलाएंगे। 5 से 6 टेबल स्पून हमको मेल्टेड चॉकलेट मिलानी है। आप मेल्टेड चॉकलेट या चॉकलेट सिरप भी ले सकते हो। हमने 6 टेबल स्पून मेल्टेड चॉकलेट लिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर अच्छे से हमारा चॉकलेट सिरप में बिस्किट मिक्स नहीं हो रहा है तो आप 1-2 टेबल स्पून और भी चॉकलेट सिरप मिला सकते हो। अभी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत लग रही है तो मैं थोड़ी सी और मिला लूँगी। हमने यहाँ पर चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमको चॉकलेट उतना मिलाना है कि वो अच्छे से पूरी तरह से बिस्किट पे लग जाए। अब हम इसको एक मोल्ड में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक मोल्ड लिया है और मोल्ड के अंदर एक बटर पेपर इस तरह से लगा लिया है। बटर पेपर को आप इस तरह से एक्स्ट्रा ही लगाना ताकि हम जब इसको निकालें तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहे। अब ये बिस्किट हम इसमें डाल देंगे। उसको अच्छे से इवनली हम फैला लेंगे। और इस तरह से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे। हमने इवनली अच्छे से प्रेस करते हुए इसको फैला लिया है। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जो हमने चॉकलेट बिस्किट मोल्ड में डाला है वो सेट होता है, तब तक हम यहाँ पर क्रीम रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम लिया है 250 ml के आसपास। ये मेरा फ्रेश क्रीम है, आप कोई भी कंपनी का फ्रेश क्रीम ले सकते हो। अब हम इसको बीट करेंगे। आपको इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा ही फ्रेश क्रीम लेना है। अगर बिल्कुल लिक्विड निकालते टाइम बिल्कुल लिक्विड पार्ट आता है तो आप इसको साइड में निकाल के फेंक देना। अब इस फ्रेश क्रीम को हम बीट करेंगे। फुल स्पीड पे हमको 3 मिनट के लिए बीट करना है। हमने 3 मिनट तक इसको विस्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिला रही हूँ। मेरे पास ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लोर और वनीला एसेंस भी मिक्स कर सकते हो, और आधा चम्मच। तो लगभग 1.5 टेबल स्पून हमको मिलाना है और 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क। और आपके पास कंडेंस्ड मिल्क भी नहीं हो तो यहाँ पर आप मीठास के लिए शुगर पाउडर भी मिला सकते हो। यहाँ पर हम फिर से 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। फुल स्पीड पे ही हमको करना है। तो हमारा ये क्रीम अच्छे से विस्क हो चुका है।
अगर आपकी क्रीम में ऐसी थिकनेस नहीं आती है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो। कॉर्नफ्लोर से थिकनेस अच्छी आ जाती है। मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला था और इसको फिर से अच्छे से बीट कर लिया था। और मिठास के लिए आप शुगर आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आपको कंडेंस्ड मिल्क मिलाने के बाद मिठास कम लग रही है तो आप शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तब हमारा ये क्रीम रेडी हो चुका है। अब इसको हम मोल्ड में डाल देंगे। जब हमने चॉकलेट वाले मोल्ड को फ्रीज में रखा था उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने यहाँ पर इसको बीट करना शुरू किया था, लगभग 10 मिनट बाद। तो इसलिए हमारा यहाँ पर भी ये चॉकलेट सेट हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे। हमको इसको इवनली अच्छे से फैला लेना है। हल्का सा इसको टैप कर लेना ताकि अच्छे से चारों तरफ सेट हो जाए और इसको ऊपर से पूरा इवनली अच्छे से कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का टूल्स नहीं हो तो आप जो हम प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं जो प्लास्टिक कोटेड होते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। तो हमने ऊपर की साइड भी इसको एक जैसा कर लिया है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर कलरफुल स्प्रिंकल है तो मैं इससे थोड़ा गार्निश कर लूँगी। अगर आपके पास नहीं हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे आप गार्निशिंग कर सकते हो। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हो। और कुछ भी नहीं हो ऐसे भी रखोगे तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हम इसके कॉर्नर कॉर्नर में ये डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको गार्निशिंग कर लिया है। अब हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ऊपर से मैंने बीच में चेरी रख ली है। तो हमने इसको फ्रीजर में से निकाल लिया है। लगभग 5-6 घंटे हमारे हुए हैं और अब हमने निकाल दिया है। अब हम मोल्ड से हटाएंगे। अगर हमारे पास रिमूवेबल मोल्ड होता तो उसमें बेस और रिंग अलग हो जाते हैं तो वो ईजी रहता है। बट हमारे पास रिमूवेबल मोल्ड नहीं था इसलिए मैंने आपको बटर पेपर को एक्स्ट्रा रखने के लिए बोला था ताकि इससे हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो हमारा बहुत इजी वे में ये केक डीमोल्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर धीरे से बटर पेपर को हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये आइसक्रीम केक कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप घर पर बिस्किट और फ्रेश क्रीम के साथ आराम से आइसक्रीम केक बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।